विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज डेट मिल गई है। इसके बावजूद फिल्म पर विवाद और भंसाली की परेशानियां कम होने की नाम ही नहीं ले रही। रिलीज डेट फाइनल होने के बाद भी कारनी सेना से लगातार धमकियां मिल रही है। साथ ही इस फिल्म को देश के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में बैन है। बता दें कि इन सब परेशानियों के कारण पद्मावत मेकर्स ने अब तक का बड़ा फैसला लिया है। अब पद्मावत 25 जनवरी को भी रिलीज नहीं की जाएगी। जी हां, 190 करोड़ की बजट में बनी संजय लीला भंसाली की ये फिल्म अब 25 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। मिड डे की खबर मुताबिक फिल्म पद्मावत अब 25 जनवरी नहीं बल्कि 24 जनवरी को रिलीज होगी। मेकर्स ने फिल्म को एक दिन पहले रिलीज करने का फैसला किया है। मुंबई के जीए मल्टीप्लेक्स के मालिक मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया, पैडमैन 25 जनवरी को रिलीज होगी जबकि पद्मावत को एक रात पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि किसी भी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन पद्मावत के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं इस पैड प्रीव्यू पर ट्रेंड एनालिस्ट अतुल मोहन का कहना है कि अगर मेकर्स ने पैड प्रीव्यू अरेंज किया है, इसका मतलब वो अपनी फिल्म को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा विवादित फिल्म होगी। इस फिल्म को रिलीज होने के पहले कई विवाद का सामना करना पड़ा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।